दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश आनियत पर, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही प्यारी सी प्ले जिसका नाम है मैकबेथ, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। इससे पहले की वीडियोस में हमने डिस्कस कर रखा है विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी को और हैमलेट को मैंने डिस्कस किया है समरी उसका हिंदी में, और फिर उसके बाद मैंने मैकबेथ का भी समरी डिस्कस कर रखा है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी और आप देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ द प्ले मैकबेथ। तो दोस्तों आपके जो मैकबेथ प्ले है उसमें से पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप कि डंकन वॉज द किंग ऑफ, जो किंग डंकन मेंशन है स्टोरी में वो कहाँ के किंग हैं। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि किंग डंकन स्कॉटलैंड के किंग थे। क्यों? क्योंकि जो स्टोरी है हमारी उसकी सेटिंग ही स्कॉटलैंड में है और जो डंकन है वो वहाँ के राजा थे। तो इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है बाई द रूल ऑफ इनहेरिटेंस मैकबेथ वॉज द थाने ऑफ। तो इनहेरिटेंस के रूल के अकॉर्डिंग जो मैकबेथ था वो कहाँ का थाने था, थाने एक उपाधि होती थी। तो ऑप्शन है आपके सामने काउडोर, ऑप्शन बी है ग्लेमिस, ऑप्शन सी है स्कॉटलैंड या ऑप्शन डी है नॉर्वे। तो दोस्तों वो इनहेरिटेंस में मैकबेथ के फादर उसी कोर्ट में थे, तो उनके अकॉर्डिंग जब उनकी डेथ हुई तो मैकबेथ को ग्लेमिस का थाने बनाया गया था सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद जब वो विचेस से मिलते हैं तब जब विचेस बताती हैं उनको कि तुम थाने ऑफ काउडोर बनोगे, उसके बाद तुम किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनोगे, तब उसके बाद वो थाने ऑफ काउडोर बनते हैं। तो लेकिन सबसे पहले इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग उनको कौन सा थाने बनाया जाता है, थाने ऑफ ग्लेमिस, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका द टू जनरल्स ऑफ स्कॉटलैंड वर, जो स्कॉटलैंड के दो जनरल्स थे वो कौन कौन थे, मैकबेथ एंड बैंक्वो, मैकबेथ एंड मैकडफ, मैकडफ एंड बैंक्वो या फिर मैकडफ एंड मैलकॉम। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जब मैंने आपको प्ले पढ़ाया है उसके स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि जो दो जनरल्स थे वो कौन कौन थे, मैकबेथ एंड बैंक्वो। यही लौट रहे होते हैं अपना काम करके एक वॉर से, तभी इनको विचेस मिलती हैं और ये बेस्ट फ्रेंड्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे जो दो जनरल्स हैं स्कॉटलैंड के वो कौन है, मैकबेथ एंड बैंक्वो। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ऑन द वे फ्रॉम द ग्रेट बैटल मैकबेथ एंड बैंक्वो वर स्टॉप्ड बाय, यानी कि जब मैकबेथ और बैंक्वो ग्रेट बैटल से लौट रहे थे तो उनको किनके द्वारा रुका गया, थ्री वुमेन तीन औरतों के द्वारा, थ्री डेमन्स तीन राक्षसों के द्वारा, थ्री विचेस तीन चुड़ैलों के द्वारा या फिर थ्री घोस्ट्स या फिर तीन भूतों के द्वारा। हम सभी को पता है स्टोरी में बहुत ही क्लियरली मेंशन है कि जब मैकबेथ और बैंक्वो लौट रहे थे तो उनको तीन चुड़ैलों ने रोका था, यानी कि थ्री विचेस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है द सॉन्ग ऑफ द थ्री विचेस बिगिंस विथ, कि जो थ्री विचेस थी मैकबेथ में वो जो गाने गा रही थी वो उस सॉन्ग का स्टार्टिंग क्या था। ऑप्शन ए है फोर इज फाउल, ऑप्शन बी है फोर इज फेयर, ऑप्शन सी है फेयर इज फाउल या ऑप्शन डी है ऑल आर फाउल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फेयर इज फाउल। दोस्तों जब मैकबेथ और बैंक्वो मिलते हैं विचेस से तो विचेस उनको गाने गाने लगती हैं फिर स्टॉप रोक लेती हैं, ठीक है, और उस गाने की स्टार्टिंग होती है फेयर इज फाउल, ये आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बैंक्वो हिज डियरेस्ट फ्रेंड वॉज, बैंक्वो के अनुसार उसका डियरेस्ट फ्रेंड सबसे नज़दीकी मित्र कौन था। तो आपको पता ही है कि जो दो जनरल्स थे स्कॉटलैंड के कौन कौन, मैकबेथ और बैंक्वो। ऑप्शन देख लेते हैं मैलकॉम गलत है, मैकडफ गलत है, मैकबेथ सही है,
डोनाल्ड बेन गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैकबेथ, क्योंकि वो लोग साथ में ही रहते थे, साथ में लड़ाइयाँ करने जाते थे, युद्ध में जाते थे, साथ में ही सारी बातें करते थे, एक दूसरे शेयर करते थे, तो वो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हो गए थे। ठीक है, और ये देखिए कि आगे चल करके मैकबेथ ने ही बैंक्वो को मारने की कोशिश की, या फिर मार भी डाला, और बैंक्वो के बच्चे को भी मारने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि वो राजगद्दी पाना चाहता था, क्योंकि जो विचेस थी, विचेस ने ये उन लोगों को बताया था कि मैकबेथ आगे चल करके थाने ऑफ कॉर्डोर बनेगा, उसके बाद किंग ऑफ स्कॉटलैंड बन जाएगा, लेकिन जो मैकबेथ के आगे आने वाली संतानें हैं वो नहीं बनेंगी राजा। तो राजा कौन बनेगा? जो बैंक्वो के आगे आने वाली संतानें होंगी, फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, तो इसलिए वो मैकबेथ मार डालना चाहता था बैंक्वो को और उसके बेटे को, जिससे कि वो और उसके जनरेशन में ही कोई राजा बने, तो इसलिए वो बैंक्वो को मार भी डालता है, मर्डर करवा देता है उसका। तो ये है स्टोरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, आपके सामने क्वेश्चन भी आ गया। अकॉर्डिंग टू मैकबेथ, दोज हु विल बिकम द किंग्स ऑफ द फ्यूचर आर नन बट द, यानी कि मैकबेथ के अनुसार कि जो लोग फ्यूचर के किंग बनेंगे वो और कोई नहीं बल्कि कौन होंगे, द फ्यूचर जनरेशन ऑफ मैकडफ, मैकडफ के फ्यूचर जनरेशन के लोग बनेंगे किंग, या फिर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ रॉस, रॉस के फ्यूचर जनरेशन के किंग बनेंगे, या फिर फ्यूचर जनरेशन ऑफ बैंक्वो, बैंक्वो के फ्यूचर जनरेशन के लोग किंग बनेंगे, या फिर किंग फ्यूचर जनरेशन ऑफ एंगस, एंगस के फ्यूचर जनरेशन के लोग किंग बनेंगे। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वो बैंक्वो को इसीलिए मरवा ही डालता है जिससे कि उसके आने वाली पीढ़ियाँ राजा ना बन सके, क्योंकि जो विचेस होती हैं वो यही प्रोफेसाइज करती हैं कि बैंकों के फ्यूचर की जनरेशन के जो भी लोग होंगे वो किंग बनेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ठीक है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एट द बैंकेट मैकबेथ रिग्रेटेड द एब्सेंस ऑफ, यानी कि जो बैंकेट है, मैंने आपको जब स्टोरी पढ़ाई है, समरी जो बताया है उसमें मैंने बताया है कि जब वो राजा बन जाता है, मार डालता है बैंक्वो को, फिर वो अपने जो राज के लोग होते हैं उनके साथ बैठ के डिनर करने जाता है एक बैंकेट में। ठीक है, तो बैंकेट में वहाँ पे जो मैकबेथ है वो किसकी एब्सेंस को रिग्रेट हो रहा है, मतलब कि कौन वहाँ पे मौजूद नहीं है जिससे उसको बहुत ज़्यादा बेकार सा फील हो रहा है। तो ऑप्शन ए है डिंकन, किंग डिंकन, ऑप्शन बी है फ्लिंस जो कि बैंक्वो का बेटा था, ऑप्शन सी है मैकडफ, या ऑप्शन डी है बैंक्वो। तो हम लोग को पता है बैंक्वो और मैकबेथ बहुत अच्छे दोस्त थे और वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता है कि बैंक्वो यहाँ पे होना चाहिए, और इसीलिए थोड़ी देर बाद मैकबेथ को भूत दिखता है बैंक्वो का, जो कि पता नहीं वास्तव में होता है या नहीं, क्योंकि और किसी को नहीं दिखता, केवल मैकबेथ को ही दिखता है। ये उसका डिप्रेशन माइंड होता है जो इसको ये सब दिखा रहा होता है। तो सर, करेक्ट आंसर सही होगा आपका डी, बैंक्वो। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सॉरी, इन द रेग ऑफ द फ्लीइंग ऑफ मैकडफ मैकबेथ ब्रूटली स्लॉटर्ड, यानी कि मैकडफ के भाग जाने की वजह से उसी क्रोध में मैकबेथ ने बहुत ही बुरी तरह से किसकी हत्या करवा दी। मैकडफ, ऑप्शन ए है मैकडफ की वाइफ और बच्चे की, ऑप्शन बी है मैकडफ के बच्चे की केवल, या ऑप्शन सी है मैकडफ की वाइफ की, या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ एवर, किसी का नहीं। तो दोस्तों, मैंने प्ले में बताया है जब आपको समरी पढ़ा रहे थे हम, कि जब मैकडफ भाग जाता है उसको ढूंढने के लिए, जब मैकबेथ लोगों को भेजता है नहीं पाता है, तो बहुत ही गुस्से में आकर के वो उसकी वाइफ और बच्चे दोनों का मर्डर करवा देता है, असैसिनेशन करवा देता है। तो ऑप्शन आपका सही होगा ना, ऑप्शन नंबर ए, मैकडफ वाइफ एंड चिल्ड्रन। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इन हिज फाइट विथ मैकबेथ मैकडफ सर्ट, यानी कि जब मैकबेथ के साथ मैकडफ की फाइट हो रही थी, तो मैकडफ जो कि होने वाले राजा थे उनको क्या ला करके देता है। होने वाले राजा कौन थे? मैलकॉम, मैलकॉम किंग डंकन का बड़ा बेटा था। ठीक है, तो वो उसको क्या ला करके देता है? मैकबेथ की टांग, या मैकबेथ की नाक, मैकबेथ का हाथ, या फिर मैकबेथ का सर। तो वो ला करके देता है मैकबेथ का सर, ऑप्शन नंबर डी ये सही होगा। मैंने सब कुछ बता रखा है आपको समरी में जब मैंने बताया था, तो समरी अगर अभी तक आपने नहीं देखा हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। अगर विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी देखनी है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।